यामी नमो नमः। उसमें माला भी खोल के नीचे आ रही है। हल्द्वानी शहर में मुखानी चौराहे के पास शिव का प्राचीन मंदिर 150 साल पुराना है। यह मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे स्थित है। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर में लोगों की अटूट आस्था और अटूट विश्वास है। यह मंदिर दशकों साल पुराना है। यहाँ पर सच्चे मन से भक्त जो भी मुराद मांगते हैं उनकी मुराद जरूर पूरी होती है, इसलिए रोज यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए भक्त आया करते हैं। मंदिर में शनि भगवान की भी मूर्ति स्थापित की गई है। सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भक्तों का सुबह 5 बजे से ही तांता लगा रहा। यहां हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ यह मंदिर की अनेक मान्यताएं भी हैं, जिस वजह से इस मंदिर पर सबसे ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। कहते हैं कि सावन के पहले सोमवार में यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मुराद मांगता है उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। भक्तों ने भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कर जल से स्नान कराया। तत्पश्चात बेलपत्र और पुष्प भी अर्पित किए। सुबह से ही इस मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। पंडित दीपक जोशी ने बताया कि यह मंदिर प्राचीन है जो 150 साल पुराना है। इस मंदिर को प्राचीन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और भक्त यहाँ पूजा अर्चना के लिए रोज आया करते हैं। मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यहाँ दूर दूर से भक्त आया करते हैं और हल्द्वानी शहर का यह सबसे प्राचीन मंदिर कहलाता है। दीपक जोशी है, प्राचीन शिव मंदिर मुखानी में। सावन का महीना पहला सोमवार है, आज सुबह से ही 5 बजे से ही भीड़ काफी लोगों की है। यहाँ कई दूर दूर से भक्तों का आना लगा हुआ है। सुबह से ही बड़ी भीड़ है। 100 से 150 साल पुराना मंदिर है। भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए भक्तों का थोड़ा जाना विशेष और प्राचीन शिव मंदिर की वैसे भी ज़्यादा फेमस है। मंदिर पे भक्तजनों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और हम लोग भी आए हुए हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और मेरी वाइफ और बेटा दोनों पूजा कर रहे हैं और मंदिर के सारे भक्तजन यहाँ पहुँचे हुए हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा का माहौल है और यहाँ पे आस्था का दीप जलाने सब आते हैं। कोई दुख है, किसी को तकलीफ़ है और अपनी मन की शांति के लिए सब भगवान जी के पास आते हैं। भोले बाबा सबका मनोकामना पूरी करता है। बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, जब बड़े ही छोटे बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे तभी उन बच्चों को पता चलेगा कि आस्था क्या चीज़ है। माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति जागरूक करना कि अच्छी चीज़ें बताना, सभ्यता सिखाना, पाठ पढ़ाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो कृपया करके जितने भी बुजुर्ग माता पिता भाई बहनें जो भी आएंगे साथ में अपने छोटे बच्चों को ज़रूर लाएँ। छोटे बच्चे हमसे प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं कि अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।